कम पानी है, मजा नहीं आएगा। क्या हो गया, कमर तक तो आएगा ही ना, एक डुबकी मार लेना, थोड़ा नीचे हो जाना, मेरी हाइट का हो जाना। पूरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, अभी बन रहा है मस्त घी। ये पानी की तरह लग रहा होगा लेकिन ये घी है, जस्ट अभी अभी बनाया है ये। तो हमारे घर में हम जो घी यूज़ करते हैं ना वो खुद का ही होता है, खुद बनाते हैं, मतलब मक्खन वक्खन निकाल के। बनने के बाद इसको रख देंगे फ्रिज में, फिर मस्त जम जाएगा। तो शहर में रह के भी हम ट्राई करते हैं कि सब चीज़ें हम खुद ही घर में बनाए, दूध, दही, मक्खन, सब कुछ, घी वगैरह। तो अभी गाइस कुनाली भी स्कूल से आ चुका है। तो कुनाली, कैसे चल रहे हैं स्कूल आपके? अब बस कुनाली और पीयूष को बस कल का स्कूल जाना है, उसके बाद छुट्टियाँ स्टार्ट, उसके बाद हम जाएंगे शूट पे। ओलू ओलू, पीयूष आइसक्रीम खानी है? ट्राई करो, बहुत टेस्टी हो रही है, है ना कुनाली? ट्राई करो, बहुत टेस्टी हो रही है। कुनाली क्या कर रहे हो? डोरेमोन बना रहे। ये गिर जाओगे, ऐसे मत बैठो, ये ऐसे गिर जाएगा। बस कल स्कूल जाना है। कहाँ का प्लान है छुट्टी में जाने का? कहाँ का? मैं तो कहता कि लद्दाख चलते हैं, मजा आ जाएगा। देख, तेरी एक महीने की छुट्टी पड़ी है। हाँ, तो उसमें ना, तो उसमें एक ट्रिप तो मारेंगे नहीं हम, मैं 3-4 ट्रिप मार देंगे, मतलब मेरे स्कूल बाद में चालू हो जाएंगे। मेरा तो प्लान है लद्दाख, केदारनाथ, तुंगनाथ, गांव तो जाएंगे ही। पूरा महीना घूमते रहेंगे, पूरा महीना घूमते रहेंगे, एक दिन भी घर नहीं आएंगे। बिकॉज पीयूष जब से स्कूल गया ना ये बिल्कुल भी नहीं घूमा, ये अपने पढ़ाई करते जा रहा है, अपने टेस्ट वेस्ट, जब बहुत बिजी हो गया जब से स्कूल गया, तो ये इसने एक ट्रिप भी नहीं करी अच्छे से। तो हाँ, जब छुट्टियाँ पड़ी एक महीने की तो कर सकते हैं। कुनाली, आप कहाँ जाओगे छुट्टियों में? मैं शूटिंग पे। शूटिंग पे? कहाँ है शूटिंग? यार इसको पता नहीं क्या हो रहा है शूटिंग पे जाने का। क्यों, कौन शूटिंग? किस चीज की शूटिंग? नहीं, क्या होता है शूटिंग, होता क्या बताना? जो आपने करी थी। क्या होती शूटिंग? जो आपने करी थी मंजूर में। भाई ये सब पता है, क्या सोच रहे हो? कौन शूटिंग करेगा? कुनाली शूटिंग करेगा, देखना छोटा सा शूटिंग। क्या कैमरे पे ऐसे नहीं करते। गाइस जो भी हो, आप एक चीज नोटिस करते होगे कि साहिल नहीं दिखता आपको। साहिल अपने रूम में पड़ा रहता है पूरा दिन भर, पता नहीं क्या सीन है उसका। अब देखो, कभी आएगा बाहर, बस 2 मिनट के लिए बाहर आएगा फिर अंदर चल जाएगा, 2 मिनट के लिए बाहर आएगा फिर अंदर चल जाएगा, पता नहीं क्या सीन है। चलो पूछ के आते हैं, कहीं गुस्सा ना हो जाए मुझसे। और साहिल क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या बात, बड़े मायूस बैठे हो? क्या बात, ये दिखता क्यों नहीं है? बड़े मायूस बैठे, बड़े में ये रूम में पड़ा रहेगा तो यार, कहीं कुछ बात तो नहीं लगी तेरे दिल पे? है साहिल, कोई दिल पे तेरी बात तो नहीं? चलो सोने देते हैं, अब क्या कर सकते हैं, बता तो रानी वो क्या सीन है उसका। तो फाइनली साहिल आ चुका है, वो भी खाना बनाने के लिए। ये देखो, ये बना रहा है ओट्स। तो साहिल आता है खाना खाने के लिए, खाना खा के फिर निकल लेता है रूम में। ओलू, ओलू भी खुश हो जाता है जब उसको प्यार करते हैं ना। तो भाई थोड़े नूडल्स मैंने भी ले लिए हैं, मम्मी जोड़ के। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत क्या ठीक होती है बेटा, पैरों की दर्द हुई हो, क्या ठीक होती है। सो गाइस अभी फिलहाल शाम के 4 बज चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं मेरी साइकिल में पंचर लगवाने के लिए, बिकॉज पहले हम जो हमने पंचर लगाया था पता नहीं वहीं पर शायद दोबारा पंचर हो चुका है। रोज तो पंचर कर, नई साइकिल मैंने थोड़ी कराया, वो मैं कौन से रास्ते पे कांटे बिछाऊंगा, वहाँ पर साइकिल चलाऊंगा, मैं थोड़ी कराया यार। सोसाइटी में चलाता है और यही पंचर हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे सोसाइटी में थोड़ा ना कुछ है, मेरा क्या कसूर, अब मैंने क्या करा? चलो फिर, ये खाने के लिए बाहर आके दोबारा दोबारा गुफा में। ये बस खाने के लिए आता है, ये बस खाने के लिए आता है बाहर, बस दोबारा गुफा में चले जाएंगे अपनी बाबा आदम की गुफा। हाँ अभी देखना, खा के सीधा अपने रूम में चला जाएगा। या तो इनोवा में चलते हैं या पैदल या ऑटो में, बताओ। पैदल चलते हैं, पैदल घूमने का मन कर, पैदल चले भाई। आप गर्मी हो रही है बाहर, चल भाई। ओलू, ये बॉल पता नहीं क्यों लटका रखी है इन्होंने यहाँ पे, ये बॉल क्यों लटका रखी है? ये गुस्सा निकल रहा है, यही वाला टायर। साहिल आया इनोवा लेके, इनोवा में डालेंगे। ये वाली सीट फोल्ड कर दे, ये वाली सीट। लास्ट टाइम जब लाए थे तब भी तो डाला था। ठीक है, तो साइकिल तो डाल दिया है, ये वाला टायर पंचर है इसका। चल तू कहाँ बैठेगा, आगे बैठ जा। एक्चुअली सीन ऐसा है ना, हमारे आसपास कोई है भी नहीं, पंचर वाले भी दूर हैं, अराउंड 3 किलोमीटर पे, तो वहाँ तक ले जा नहीं सकते, टायर और इसका रिम खराब हो जाएगा ना। और पैदल, मैं तो कहता पैदल चलते, लेकिन पीयूष मना करे पैदल नहीं आना। चलो पहुँच गए, पीछे वाला टायर पंचर हो गया, मतलब ये मैंने लगाया जोर है क्या? हां बहुत जोर है क्या? ये कौन बताया, जय तो फट रहे हैं। अरे बेइज्जती मार दी अंकल ने, अंकल ने पीयूष की बेइज्जती मार दी। अंकल वो कह रहा है, अंकल पिछले वाला टायर पंचर हो गया, अंकल कह रहे खोल के देखने दे, बेइज्जती हमारे सामने खोल के जाता है। अबे यार अंकल ने खतरनाक पॉइंट मारा पीयूष पे। बुरा तो नहीं मान गया ना? पक्का बुरा मत मानियो यार। भाई अंकल ने सिर्फ 2 मिनट लगाए, हो चुके साइकिल, अब चलते हैं। लेकिन अंकल ने 2 सेकंड लगाए मेरी बेइज्जती करने के लिए। भाई अब तूने पंचर की, फिर बताऊंगा तेरे को मैं। हैव अ टेस्ट राइड, बाय बाय। यहीं चलाइयो, सोसाइटी से बाहर मत जाइयो। सौदागे हैं ओली, सौदागे ओली। तो अभी गाइस मैंने तौलिया वोलिया रख लिया है, अभी जा रहे हैं नदी में, मन करेगा तो नहा लेंगे, देखेंगे मौसम। ज़्यादा पानी, अगर पानी कम होगा तो ही नहाएंगे, बिकॉज बारिश हो रखी थी ना। थार लेके चलते हैं। तूने भी रख लिया तौलिया? बड़े मेरे छुप छुपाते जैसे ही रख लिया। तौलिया कहाँ? कच्चा भी? ये क्या है? स्विमिंग गॉगल्स। स्विमिंग गॉगल्स? इसमें बिल्कुल भी आँख में पानी नहीं जाता और सांस दिखता है पूरा अंदर। तो गाइस पानी आ रहा है तो पानी से। तो यहाँ पे पौधों का पानी दे रहे थे, मैंने थार को भी पानी दे दिया, थार भी धो दी मस्त। अब देखो मस्त चमक गई है। चलो अब चलते हैं। तो गाइस पोपट हो गया, देखो यहाँ तो पानी ही नहीं है, ये तो यूजुअली यहाँ से पूरा पानी जाता है। फाइनली पहुँच तो गए, अब देखते हैं। पहले हम पहले भी आए थे यहाँ पे जब साहिल को दाया था हमने। चलो 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 गोप्रो में आपको दिखा। अबे यार अबे कम पानी है यार, सिर्फ तेरे लिए ठीक है। आप भी चलो ना यार सौदा, हर जगह स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आ जाएगा। अरे आप भी चलो यार, कम पानी है, मजा नहीं आएगा। क्या हो गया, कमर तक तो आएगा ही ना, एक डुबकी मार लेना, थोड़ा नीचे हो जाना, मेरी हाइट का हो जाना। पूरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आया हुआ है, सिर्फ ये और ये लेके आया। लेट्स गो, आई एम गोइंग। ओ भाई स्विमिंग कॉस्ट्यूम बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल। और ठंडा भाई सर तो पूरा। तो भी गाइस फाइनली मैं भी आ गया। कोई बात नहीं, कम पानी है तो, लेकिन जिंदगी के मजे तो ले ही लेते हैं। अरे मत कर पीयूसी, इसको जूम आउट कर देता हूँ। गाइस इतना मस्त ठंडा पानी हो रहा है ना, मजा आ रहा है। अच्छा हुआ जो आ गए हम। तो चलो गाइस अब चलते हैं, अब चाय वगैरह पियेंगे कहीं से, चाय कॉफ़ी पियेंगे। तो भी गाइस मैंने तो चेंज कर लिया है, पीयूष साहिल और निर्मल भैया। निर्मल भैया उधर चेंज कर रहे हैं, निर्मल भैया लेके नहीं आए थे ना कच्छा, तो वो पत्थर के पीछे चेंज कर रहे हैं और बिना कच्छे घूमेंगे अब। लेट्स गो गाइस, मिशन कम्प्लीटेड। यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लेपर्ड आता है। अरे अबे क्या था, कीड़े आ रहे यार, छूट गया था। ओ भाई आराम गिरे जा रहा हूँ मैं। थार सही सलामत है ना अपनी। तो भी जंगल से निकल के हम आ गए कॉफी पीने के लिए, तो चलो कॉफी पीते हैं। तो अपनी कॉफी तो आ गई है, कोल्ड कॉफी। तो भी गाइस कॉफी पी के आ गए हैं। तो भी रात के 12:30 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई, आती मैंने स्टार्ट कर दी थी, फाइनली कंप्लीट हो गया। अब इसको अपलोड कराऊंगा और फिर सो जाऊंगा। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओ भाई भाई नहीं यार, नहीं यार, ओ भाई क्या मैं यार, मैं थोड़ी देर से आराम से कर रहा था काम। We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.